वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि पोर्ट क्या होता है, और अगले वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि वाल्व क्या होता है। टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक के केस में लोग बहुत से लोग पोर्ट और वाल्व में कंफ्यूज होते हैं, और अगर उन्हें ये पूछ दिया जाए, गाड़ियों को अगर दिखा करके पूछ दिया जाए कि टू स्ट्रोक है कि फोर स्ट्रोक है, तो नहीं बता पाते, उनका नॉलेज यहाँ पर काम नहीं करता। तो बेसिकली आप पहचानोगे कैसे, तो वाल्व और पोर्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस क्या है कि पोर्ट आपका ओपन पाथ होता है, ये ओपन पाथ है ना, ये ओपन पाथ है, ये भी पोर्ट है, ये ओपन पाथ है, ये भी पोर्ट है। इसे मतलब ओपन क्लोज करने के लिए कोई कप टाइप का या कोई ढक्कन टाइप का कोई चीज़ नहीं लगा है, तो ये कहलाएगा आपका पोर्ट, ठीक है, ये ओपन पाथ है। पर इसे ओपन और क्लोज कौन करता है? जैसे कि मैं ये बता रहा हूँ कि ये इनलेट पोर्ट है, मतलब कि यहाँ से आपका फ्यूल इंजन के अंदर घुसेगा। पर सक्शन कब कहलाएगा? जब वो ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू होकर के जाए, ट्रांसफर पोर्ट मतलब ये वाला पोर्ट, इसके थ्रू आपका फ्यूल पिस्टन के ऊपरी सरफेस में जाता है यहाँ पर, और उसके बाद पिस्टन ऊपर की ओर मूव करता है और उसे कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने के बाद यहाँ पर एक्सपांसन करते हैं, जिससे आपका पिस्टन फिर नीचे की ओर जाता है, और उसके बाद आपका जो एग्जॉस्ट पोर्ट, जिसको अभी पिस्टन अभी घेर के रखा है, मतलब पिस्टन क्या किया अभी, एग्जॉस्ट पोर्ट जो है उसको क्लोज करके रखा है, खुद पिस्टन एग्जॉस्ट पोर्ट को क्लोज करके रखा है। पर ये ओपन कब होगा? जब एक्सपांसन का प्रोसेस होगा, और पिस्टन जब आपका नीचे की ओर मूव करेगा, तो पिस्टन के नीचे मूव करने के कारण एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हो जाएगा, और ये पिस्टन जब नीचे मूव करेगा तो वो मैक्सिमम यहाँ तक के जाएगा, मैक्सिमम यहाँ तक करके जाएगा, ठीक है। उसके बाद पिस्टन खुद ट्रांसफर पोर्ट को ओपन करता है, पिस्टन खुद एग्जॉस्ट पोर्ट को ओपन करता है, पिस्टन खुद एक ट्रांसफर पोर्ट को क्लोज करता है, पिस्टन खुद एग्जॉस्ट पोर्ट को क्लोज करता है। तो क्लोज जो आपका पोर्ट है वो बेसिकली क्या है, एक ओपन पाथ है, मतलब एक रास्ता है वहाँ से जाने का, ठीक है। पोर्ट ओपन पाथ है आपका, सिर्फ और सिर्फ पोर्ट सिर्फ आपका ओपन पाथ है। उसे ओपन क्लोज कौन कर रहा है? उसको ओपन क्लोज कर रहा है खुद पिस्टन उसे ओपन क्लोज कर रहा है, मतलब पिस्टन के मूवमेंट से ही ये डिसाइड हो रहा है कि कब इनलेट पोर्ट ओपन होगा, कब इनलेट पोर्ट क्लोज होगा, कब एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होगा, कब एग्जॉस्ट पोर्ट क्लोज होगा। तो बेसिकली पिस्टन के मूवमेंट से ही। फिर अगर आपको कहीं पर इसका इंजन का सेक्शन व्यू मिल गया, सेक्शन व्यू मतलब जिसे आप काट के दिखा रहे हो, इंजन को आप काट के दिखा रहे हो, अगर आपको उसका सेक्शन व्यू दिख गया, तो अगर आप जो पिस्टन को मूव करा रहे हो, तो पिस्टन के अगर साइड से अगर आपको होल दिख गया तो वो पोर्ट है। अगर पिस्टन के साइड से अगर कोई होल दिख गया तो वो पोर्ट ही है, क्योंकि पिस्टन ही उसे ओपन और क्लोज कर रहा है। तो ये था आज का लेक्चर। अगले वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि वॉल्व क्या होता है। ओके, बाय बाय।